नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही, आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नक्सली वारदातें, कमजोर सरकार का नतीजा, कहा जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने। हुल्लुंग क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने आधा दर्जन अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट। और आम आदमी की पार्टी का डीसी कार्यालय पर धरना। अब खबरें विस्तार से। राज्य में लगातार हो रही नक्सली वारदातें कमजोर सरकार का परिणाम है। जब सरकार कमजोर हो और उसका जनता से कोई सरोकार नहीं हो तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। या कहना है जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का। वे आज स्थानीय परिसरन में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि खरीद फरोख्त वाली सरकार जनहित में नहीं होती। जेवीएम राज्य में जनता की सरकार चाहती है और उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। झारखंड सरकार में लोभियों की जमात है, ऐसे में इस सरकार की अकाल मौत निश्चित है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के हवाले से कहा कि राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। 10-12 वर्षों का जो अनुभव रहा है, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की जो सरकारें बनती है वो राज्य के हित में नहीं होती है, जनता के हितों में वो काम नहीं करती। ऐसी हालत में हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप सरकार बनाने के लिए विधायकों को नहीं, नेताओं को नहीं, पार्टियों को नहीं, बल्कि जनता को अब अवसर देनी चाहिए। हमारी पार्टी इसके पक्षधर है। हमने कहा कि हम जनता के पक्षधर हैं, कि जनता को मौका मिलनी चाहिए, हम जनता के साथ हैं। चुनाव के लिए तैयार। बिल्कुल। देखिए, जहां लोभी और ठगियों की जमात होता है, जब उनके आपसी स्वार्थ के हितों की जब टकराहट होगी तो फिर इस सरकार की अकाल मृत्यु तय है। हमारी पार्टी तो लगातार करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही है। वहीं पार्टी के प्रधान महासचिव एवं जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कुछ शहरों की बिजली की जिम्मेवारी निजी कंपनियों को दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य विद्युत बोर्ड को भारी नुकसान होगा। जेवीएम कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, फिर इस मामले को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। 5 दिसंबर को जब सदन चल रहा था और ऐसे समय में सरकार ने एक बड़े नीतिगत फैसले सदन के बाहर चोरी छिपे किया, हमने उसका सदन में भी विरोध किया। इस प्रकार के फैसले चलते सदन में सदन के बाहर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आम उपभोक्ताओं से, आम जनता से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ मामला था। और चोरी छिपे करने का उनका इतना ही था कारण, क्योंकि यहां के बिजली का वो निजीकरण करने जा रहे थे और 2 शहरों को निजी के हाथों में उन्होंने दिया ही भी निजी कंपनी के हाथ, और वो निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के प्रयास मात्र है। भले ऊपर से कहते हैं कि उपभोक्ताओं को सुविधा होगा, बोर्ड के राजस्व में कमी आएगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन राज्यों में जिन सरकारों ने आज ये काम पहले कदम उठाया है वहां पूरी तरह से ये फ्लॉप रही है। चाहे वो बंगाल की कलकत्ता को देखे, दिल्ली को देखे, महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद को देखें, अन्य शहरों को देखें, वहां जो उपभोक्ता परेशान है, वहां उपभोक्ताओं को बिजली महंगे दर पर मिल रही है और यहां भी बिजली महंगे दर पर मिलेगी और बोर्ड को एक बड़े घाटा का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड में बैठे हुए लोग उस फ्रेंचाइजी कंपनी के माध्यम से बड़ी मोटी कमाई करेंगे, सरकार में बैठे लोग मोटी कमाई करेंगे। झारखंड विकास मोर्चा इसका विरोध करेगी। 29-30 तारीख को, इस दिसंबर को हमारी कार्य समिति बैठ रही है, इस पर हम बड़े फैसले करेंगे। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के हुल्लुंग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जवा महुआ को नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया गया। उत्पाद विभाग के एक पदाधिकारी ने कहा कि शराब भट्टियों को तोड़ने का अभियान सुबह से चल रहा है, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी चलता रहेगा। अभी तक तो सवेरे हम लोग 6 बजे से लगे हुए हैं और जब यहाँ पहुँचे तो सारा आदमी सब छोड़ के भाग चुका था। और जो भी भट्टियाँ यहाँ करीब अभी तक हम 3-4 भट्टियाँ हम लोग तोड़ चुके हैं। किस क्षेत्र, कौन क्षेत्र पड़ता है ये? आपका क्षेत्र पड़ेगा हुल्लुंग क्षेत्र पड़ता है, हुल्लुंग का जंगली क्षेत्र पड़ता है। कितना जावा महुआ नष्ट हुआ होगा? लगभग
जावा नष्ट तो काफी संख्या में तो बता नहीं सकते, लेकिन अभी और कुछ बाकी है उसको विनष्ट करना है। भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी की पार्टी के लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर धरना दिया। एएपी के दिनेश महतो ने कहा कि पोटका प्रखंड में स्कूल भवन के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई, लेकिन इस मामले में अभी तक थाना में केस दायर नहीं किया गया है, जबकि भवन का निर्माण जिला परिषद के एक सदस्य द्वारा कराया गया है। इस तरह के कई भ्रष्टाचार के मामले जिले में हुए हैं, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जिला में उपायुक्त कार्यालय में धरना हम लोग दे रहे हैं, इसलिए कि पोटका प्रखंड में स्कूल भवन का एक घोटाला जिला परिषद संजीत सरदार ने किया है, कि जो कि 4,41,000 रुपया गबन किया है, स्कूल भवन बनाया भी नहीं और पैसा निकास किया है। उसके लिए उपायुक्त कार्यालय से डीसी के आदेश के आलोक में एक सप्ताह के अंदर प्राथमिक दर्ज करने के लिए आदेश जिला अधीक्षक को कहा गया था, लेकिन 26 तारीख को मतलब चिट्ठी निकास की गई थी उसमें ऑफिस से, लेकिन अभी तक मतलब मामला दर्ज हुआ नहीं। इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने मामला को दबा के रखा है, मतलब पैसा पे के बल पे वो बिका हुआ है। जिला शिक्षा अधीक्षक अगर मामला दर्ज नहीं करते तो जिला शिक्षा का अधीक्षक का घर भी हम लोग घेराव करेंगे। राज्य में मजदूरों पर लादे जा रहे प्रोफेशनल टैक्स के मुद्दे पर टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे आज जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से मिले। इस दौरान उनके कई समर्थक भी थे। रघुनाथ पांडे ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स से मजदूरों को भारी नुकसान होगा, राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सरकार से बातचीत करने का भरोसा दिया है। प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है जो मजदूरों पर अतिरिक्त भार जो पड़ा है उसके लेके हम आए थे और मिल के जा रहे हैं कि भाई आप जो है सो हम लोग को सहयोग करिए, मदद करिए। मुंडा जी को भी हमने एक हम लोग लेटर दिए हैं, उनसे भी मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद ये हम लोगों को, क्योंकि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स हो गया, परप्यूजी टैक्स हो गया, उसके बाद टैक्स हो गया, तो इतना टैक्स मजदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक अभियान हमने छेड़ा है और सभी मजदूर को हम लोग इसमें एक करेंगे और इसको लेके हम लोग मुंडा जी से मिलेंगे। पिछले दिनों सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में कथित रूप से बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किए जाने का जदयू ने विरोध किया है। इसे लेकर जदयू के लोग आज एसएसपी से मिलने आए थे। पार्टी के नेता डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि सिद्धगोड़ा तिहरे हत्याकांड में पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। आलम यह है कि मृतक के दामाद की दुकान में काम करने वाले रतन गांगुली नामक युवक को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई, लेकिन अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया। इसी तरह की बातें रतन गांगुली की मां ने भी कही। पुलिस अपनी छानबीन में बस्ती के कई लड़कों को उठा कर ले जा रही है पूछताछ के लिए, लेकिन उन लोगों को फिर छोड़ा नहीं जा रहा है। 5 दिन 6 दिन लगातार पूछताछ के लिए उनको रखा जा रहा है। अभी एक फैमिली हमारे पास आया है जनता दल यूनाइटेड से सहयोग मांगने, और इनके बच्चे को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो दामाद थे उनके साथ 3 महीना पहले वो एक फूल दुकान में काम करता था, उस बिना पे उसको उठा ले गया है और उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। इस संबंध में आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं कि अगर जो गुनाहगार है उसको सजा होनी चाहिए। क्या हुआ था, कब उठाया था पुलिस? रात को 1 बजे। पूछे थे आप किस लिए उठाया? हाँ, हम पूछे तो बोलता है कि वो उसको थाना में पूछताछ करेंगे, हम लोग अभी लेके जाएंगे उसको, और नहीं दरवाजा हम लोगों ने किस वजह से आप लोगों ने कर पूरा पीछे आगे मुझे दोनों तरफ घेरवा कर लिया था कि वो से पूछ लीजिए, घेराव करके उसके बाद पूरा मैंने हम जब बोले आप लोग क्या कारण है जो मेरे को पहले कारण बताइए, तो बोलते नहीं नहीं कारण नहीं बताएंगे। बोलते आपका लड़का कहाँ है, आपका लड़का लोन है घर में? तो हाँ, मेरे चारों लड़का घर में है। तो फिर बोलता बेले कौन है? तो मतलब बेले ये है। तो उसको फिर पकड़ के लेके गया, हमने जो कुछ पूछताछ करना है यहाँ कीजिए पूछताछ। बोलते नहीं हम लोग का ऐसे नियम नहीं है, हम लोग अपना थाना में ले जाकर पूछताछ करें। कितना दिन हो गया? आज बृहस्पत को रात को 1 बजे गए थे। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने आज जुबली पार्क में पेंशनर दिवस मनाया। इस मौके पर एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद थे। एसोसिएशन के आरएन सिंह ने बताया कि आज के दिन वर्ष 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनरों के हित में एक फैसला सुनाया। उसी फैसले के आलोक में एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर डे के रूप में मनाता है। वो पेंशनर्स डे पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। यह पेंशनर्स डे 1983 से हर 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें पेंशनर्स एकजुट होकर जुटते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए
सरकार से मांग करते हैं। और यह जो पेंशनर डे मनाया जा रहा है, एक सरकारी कर्मचारी थे डीएस नकारा, जिन्होंने ऑर्नामेंटल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बेंच द्वारा 1982 इसी दिन 17 दिसंबर 1982 को जजमेंट उनके फेवर मिला, और इसी के आलोक में 17 दिसंबर 1983 से हर साल पेंशनर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रभात कुमार की तीसरी पुण्यतिथि पर आज उनकी पत्नी ने सांची बाराद्वारे स्थित ओल्ड एज होम के लोगों के बीच फल और मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि राजनीति से वह परहेज करती हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमशेदपुर महिला कॉलेज की कुछ मेधावी छात्राओं को पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति को न्याय नहीं मिला। पुलिस पदाधिकारियों और राजनेताओं की बातों पर भरोसा किया जाए तो उनके पति की हत्या के पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा होना चाहिए। तो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को हम लोग बनाए रखे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। 2 साल से मैं छोटा बेटा था, ब्लड डोनेशन करवाता था, लेकिन इस बार हमको लगा कि अपना काम अकेले करना चाहिए। जैसे अगर राजनीति करना है तो सबको बुलाना है, और अगर सामाजिक काम करना है तो एक इकाई भी काफ़ी होता है। तो हमको सबसे अच्छा ये लगा कि अभी वृद्धाश्रम में आके इन लोगों को फल मिठाई वगैरह बांटे, और महीना में मतलब एक दिन का खाना का खर्च हम उनका उठाएंगे। इसलिए मैं मोटा मोटी बोला कि 3 हज़ार का खर्च पड़ेगा। इसके अलावा कॉलेज में जैसे आरक्षण है, तो कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिसे आरक्षण नहीं है, लेकिन जाति में तो लोग ऊँचे हैं लेकिन गरीबी से मानिका से बहुत नीचे हैं। उसमें जो लड़की हिंदी में आई है बी एम ए में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, उसका पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। मतलब हम लोग का 4 सेमेस्टर होता है आई ए में, तो 4 IA BA MA तीनों लड़कियों को हम उनका पढ़ाई का फीस मतलब देंगे। मोटा मोटी 15-16 हज़ार का खर्चा पड़ेगा उसमें। इसमें हम क्या बोले, उसमें जो पुलिस बोले, खासकर डॉक्टर प्रमोद उसमें सियादी में थे, अभी वो थाना इंचार्ज है, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा हम लोग किए, आँख बंद करके उस पर हमने भरोसा किया। यहाँ तक उसमें मंत्री जी से लेकर के रघुवर दास जी से लेकर मुख्यमंत्री तक बोले थे कि पुलिस बिल्कुल सही बोल रही है, सारा ये जो है मोबाइल का क्या बोलते हैं टावर नेटवर्किंग जो है उसके थ्रू पकड़ा गया है, एकदम 100% सही है। और डॉक्टर अभी उनका नाम क्या है जो उस समय स्पीक है, नवीन सिंह भी यही बोले थे कि बिल्कुल हमें सही पकड़े, यही लोग हत्यारा है। लेकिन कभी कभी मन में ये लगता है हत्यारा यही है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर कौन है कभी कभी मन में हमको भी शंका होता है, क्योंकि छोटी सी बात पर डॉक्टर कैसे कोई मार देगा। तो यह हत्यारा यही है, मेरे सामने बोला नहीं था कि हम ही मरे हैं डॉक्टर साहब को। करीब 10 दिन पूर्व प्रेमी के साथ भागी बर्मा माइंस निवासी पूनम नामक किशोरी की आज MGM अस्पताल में मेडिकल जाँच कराई गयी। किशोरी के पिता हरि विश्वकर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 10 दिन पूर्व उनकी पुत्री ग्रेजुएट कॉलेज के लिए घर से निकली तो घर वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि उसे अमित नामक युवक भगा ले गया है। कुछ लोग दोनों की शादी कर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं है। शाम तक शहरी से पूछा कि जाकर कि लड़की कहाँ गई, बोलती है लड़की तो उतर गई साक्षी में, बोली कि हमारी मानत बनो, ऐसे ऐसे बोल के लड़की उतर गई। तो हमने कहा शाम तक इतिहास देखा तो नहीं मिली, तो हमने कहा अमित नहीं आया उस दिन दुकान में मेरे, तो हमने समझ गया कि ये लड़की लेके भाग गया। कौन अमित से क्या रिश्ता क्या है ये बताइए? अमित का भाई बहन का रिश्ता। कौन अमित कहाँ रहता है? 11 भाषा में। लड़की उम्र कितना है? 16। गायत्री परिवार ट्रस्ट टाटानगर की ओर से 3 से 13 जनवरी तक साक्षी अग्रसेन भवन के सामने विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के आध्यात्मिक पुस्तकों की बिक्री होगी। यह जानकारी ट्रस्ट के प्रभाकर राव ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 3 से 13 जनवरी तक 24 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त भाग लेंगे। पुस्तक मेला लगाने सभी धर्मों के, धर्म का मतलब हम लोग का मतलब ये है संप्रदाय से नहीं है, सभी धर्म के लोगों का आध्यात्मिक पुस्तक मेला, इसको हम लोग थीम के रूप में ऊपर में लिखा होगा सर्वधर्म आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसको थीम के रूप में वयम राष्ट्रीय जागरण जैसे पुस्तक मेला का दिया गया था, उसी हिसाब से हम लोग इसको सभी एक मंच पर ला कर अपना जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं साहित्य के माध्यम में, नसीहत से कम मिलता है लेकिन साहित्य के माध्यम से सभी को प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी प्रयास के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार एक पुस्तक मेला कराएगा। बिस्टीपुर के थोक अंग्रेजी शराब विक्रेता गुरु शरण सिंह ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रिटेल दुकानों पर MRP रेट पर शराब की बिक्री होती है। कुछ लोग MRP रेट से अधिक कीमत में शराब की बिक्री करते हैं।
उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि एमआरपी रेट से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वालों के विरुद्ध संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। देखा हम यह देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो एमआरपी से 10-20 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि आम जनता जो है वो भुक्तभोगी इसकी ना बने, एमआरपी पे ही ले। इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि मेरा जमशेदपुर पे हर एरिया पे रिटेल है जहाँ हम एमआरपी पे सेल आउट। क्या चीज़ के रिटेल आपकी? फॉरेन लिकर के, विदेशी शराब के, जहाँ पे हम एमआरपी पे विदेशी शराब बेच रहे हैं। तो हमारा पहल है कि अगर जब हम ये कर सकते हैं तो बाकी रिटेलर्स क्यों नहीं कर सकते ये चीज़? आखिर सबकी प्रॉफिट उठनी सबकी, वही आम जनता क्यों उसकी भुक्तभोगी बने। राजेंद्र विद्यालय का वार्षिक खेलकूद समारोह आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट और ड्रिल पेश किए। इस दौरान आयोजित स्पोर्ट्स के विभिन्न इवेंट्स में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर काफी संख्या में बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। एनुअल फीचर है, हर साल होता है, और इसमें पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सारे के सारे लोग। और आप देख ही रहे हैं कितनी कलरफुल माहौल है, इसी से आपको पता चल सकता है कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे कितने उत्साहित हैं। इवेंट्स हो रहे हैं इसमें, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे स्कूल कैंपस में हो चुके हैं, जैसे वो शॉट पुट डिस्कस थ्रो, फिर वो जंप वगैरह की जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब हमारे स्कूल में हो चुका है। यहाँ पर मेनली रेस सब है, 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, सैक रेस है, इसके बाद 400 मीटर रेस है, रिले रेस है।